हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपको नॉलेज देगा अबाउट सी कैडेट कॉप्स ट्रेनिंग। अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना और हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है और आपको लगे कि किसी और के साथ शेयर करना है तो आप ज़रूर शेयर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके कमेंट्स और आपके विचार हमें जानने को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुणाली शिरधनकर है। मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ और करियर गाइडेंस इस पे कुछ वीडियोस बना रही हूँ जो कि 10वीं पास और 12वीं पास बच्चों के लिए यूज़फुल होंगे। लेकिन आज की जो ये श्रृंखला है, ये हम जो श्रृंखला बना रहे हैं वो भले ही 10वीं और 12वीं के पास बच्चों के लिए हो, लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड जो पास हुए बच्चे हैं उनके लिए हम लोग बना रहे हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का एम या उद्देश्य इतना ही है कि आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी मिले जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। सी कैडेट कॉप्स, क्या आपने सुना है सी कैडेट कॉप्स के बारे में, या कहाँ पे होता है ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं, ये ट्रेनिंग कौन कर सकता है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? अगर ये सब जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में। तो बेसिकली सी कैडेट कॉप्स ये जो है ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक वॉलंटियर एसोसिएशन चलाती है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है, इसका नेशनल हेडक्वार्टर्स कोलावा नेवी नगर में है जहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और ये ट्रेनिंग वहाँ पे ही दिया जाता है। तो ये जो है ये ट्रेनिंग जनरली 5th स्टैंडर्ड के बच्चे या 6th स्टैंडर्ड के बच्चों से शुरू होता है। एक्चुअली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो एज बार के हिसाब से है। तो जब भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलता है या इसके एडमिशंस निकलते हैं तो इसके एडमिशन की एलिजिबिलिटी में आपको स्टैंडर्ड नहीं दिया रहता है, आपको दिया रहता है बॉर्न ईयर। अगर ये बॉर्न ईयर से ये पीरियड तक अगर आपके बच्चे बॉर्न हुए हैं, लड़का हो या लड़की, तो आपको इस कोर्स में या इस ट्रेनिंग में एडमिशन मिलती है। ये टोटल कुल मिला के 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जो मेन बात है, जो सोचने की बात है, क्यों करें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज आए, अगर आपको लगता है आपका बच्चा कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंटली आए लोगों के सामने, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को अच्छी डिसिप्लिन आए, तो आपको ये ट्रेनिंग कोर्स में बच्चों को जरूर डालना चाहिए। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो संडे होता है, एवरी संडे मॉर्निंग टू आफ्टरनून जो फर्स्ट सेशन है उसमें ये ट्रेनिंग होता है। और ये जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से ट्रेंड कैडेट्स होते हैं जो ये ट्रेनिंग रेंडर करते हैं या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो ट्रेनिंग है ये लड़के और लड़कियों के लिए, मैंने बोला दोनों के लिए है, तो इसमें ज्यादातर वो नॉलेज दिया जाता है जो ग्राउंड फोर्स, जितनी भी हमारी फोर्सेस है डिफेंस में, वो सब फोर्सेस के बारे में, उनके लेवल्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों फोर्स के बारे में इस कोर्स में जानकारी दी जाती है। बहुत सारे ड्रिल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बच्चों को ग्रूमिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वो अरेंज करते हैं जहाँ के बच्चे में अच्छी सी क्वालिटीज, उनका जो ग्रो होने का पीरियड है वो पीरियड में उनमें अच्छी क्वालिटीज आए, ये मोटो होता है इनका। और यहाँ पे नेवी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, भले ये सर्टिफिकेट लेके फ्यूचर में उनको क्या काम आए ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप ये जरूर है कि अगर बच्चे ये कोर्स करने के टाइम पे अगर पूरा 4 साल का कोर्स करते हैं और ये सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलते हैं, तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा।
तो आप जरूर ये सोचना, इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, इसकी जो वेबसाइट है cadet.in.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे इनके जो ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जरूर विजिट करें, इसमें बहुत सारी टैब्स हैं, आप देख सकते हैं कैसे काम चलता है वहां पे। बहुत सारे फोटोज उन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज उन्होंने देने की कोशिश की है इस वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कौन से प्रोग्राम्स ये जो इंस्टीट्यूट है वो करता है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है और यहाँ पे जो सिखाने वाले कैडेट्स हैं या जो सीनियर जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत लेते हैं बच्चों पे और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो जरूर आपको अगर इस इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऐसे कोई ट्रेनिंग सेशन में भेजना है तो आप जरूर भेजना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत लोगों को सी कैडेट कॉप्स के बारे में नहीं पता है या ऐसा कोई ट्रेनिंग चलता है जहां पे बच्चों को डालना चाहिए उनकी इंटरनल ग्रोथ के लिए या उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए या उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए। तो ये आप जरूर वीडियो शेयर करें और आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर कोई जानकारी और चाहिए कोई सब्जेक्ट में तो आप जरूर हमें कमेंट में लिखें, हम जरूर आपकी आपको वो जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे पास है अवेलेबल। और हमारी जो 10th और 12th स्टैंडर्ड पास बच्चों के लिए वीडियोस बनाई हुई है करियर गाइडेंस और करियर अपॉर्चुनिटीज की, वो भी आप जरूर देखें। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा। तुमचा अभिप्राय आणि सूचना यांची आम्ही वाट पाहत आहोत। नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कॉमेंट आणि शेअर करायलाही विसरू नका। जर तुम्हाला असेच आणखी कंटेंट बघायचे असतील तर नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा। तुमचा आवडीचा विषय कोणता आहे आणि कुठल्या विषयात तुम्हाला करिअर गायडन्स हा व्हिडिओ बघण्याची इच्छा आहे। धन्यवाद। ट्रॅव्हल एज्युकेट अँड लीव्ह।